हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम आप सब से वादा किए थे कि हमारे टूटा फूटा मस्ती चैनल पे मैं कलाकारों से मिलवाऊंगा, और देखिए आज हैं हम श्री रिकॉर्ड्स स्टूडियो गया डोबी रोड में, जहां पे है श्री रिकॉर्ड स्टूडियो। और आज हमारे बीच है उपस्थित जाने माने वो कलाकार जो इनके कई गाने हिट हुए, और ये गाने तो बहुत ही ज़्यादा हिट हुए हैं। बिहार, झारखंड और यूपी में बजने वाला वो गाना, और खास करके गया जिला के रहने वाली हैं, और गया जिला के नंबर वन एक सिंगर गायिका जिनका नाम है कुसुम काव्या, जिससे हम रूबरू आज करवा रहे हैं। तो चलिए कुसुम काव्या जी, स्वागत है आपको हमारे इस स्टूडियो में। और ये आई थी गाने के लिए, तो पता चला तो इनके पास हम लोग आए पूरा टीम। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले आप कब से गा रही हैं? 2018 से गा रही हैं। सबसे पहला कौन सा गाना गाए थे आप, याद है? सबसे पहले गाना एक कत्यानी फिल्म से में गाए थे, एक था वो था छठ का। अच्छा, कत्यानी फिल्म है ना। हाँ, मेरा पहला सॉन्ग। आपका गया में ही घर है, गया जिला में ही घर है? हाँ, मेरा गया जिला है। गया जिला से बिलोंग करती हैं। तो कौन सा वो गाना था कुसुम काव्या जी आपका, जो काफी मार्केट में हिट हुआ था, जो आपके साथ कौन वो सह कलाकार थे? वो मेरे साथ कलाकार थे भंटा लाल यादव जी, और मेरा पहला गाना सबसे ज़्यादा हिट हुआ बोध गया सहरिया में, तो रखिए बोलेल को भी छोड़ी, और ये मगहिया सॉन्ग था, बहुत चला। अच्छा, चलिए हम दर्शकों को हम ये सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आप आई हैं तो हमारे जितने भी बड़े छोटे भाई हमारे तमाम YouTube और Facebook WhatsApp से जुड़े रहते हैं, वो जरूर सुनना चाहेंगे कि आपका जो गाना हिट हुआ था, दो लाइन हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए जी। तो मेरा सॉन्ग था जो हिट हुआ था, हाँ इसे कोई बुलावे सहरिया में तोरा काहे बतइयो रे छौड़ा, अरे काहे बतइयो रे छौड़ा, और कह दे में तू घरे में ता मारो पीटैबै रे छौड़ा। तो ये मेरा पहला गाना हिट हुआ था। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कुसुम काव्या जी, क्योंकि हम भी इनका गाना ऑटो में सुने थे। हमारे घर के बगल से ऑटो गुजरती थी तो उसमें गाने सुनने को मिलते थे। अच्छा, आपको गाने के क्षेत्र में बचपन से ये रहा कि आप अचानक लगा कि हम भी गा सकते हैं, कैसे हुआ ये शुरुआत? नहीं, वो तो मेरा कुछ ट्राई नहीं था गाने के लिए ऐसा। और गाने का जो ये सिलसिला चालू हुआ तो किनका हाथ सबसे बड़ा रहा, आपके फैमिली में किनका हाथ रहा सबसे बड़ा? मेरा फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे गांव में मतलब जो भाई लगते थे वही मुझे ये सब रास्ता बताएं, इसी की वजह से मैं इस लाइन में आई हूँ। ओ, और अब आपको पूरा सपोर्ट, फैमिली ही नहीं बल्कि पूरा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दर्शक सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये सही है। हाँ, तो अभी अभी गया शहर या कहीं भी जितना भी स्टूडियो है, लगभग पता है मुझे कि हर स्टूडियो में आप गा रही हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कुसुम काव्या जी। तो मैं एक बार फिर बता दूं, यही है वो कुसुम काव्या जो भंटा लाल जी के साथ इनका गाना बहुत हिट हुआ था और काफ़ी मार्केट में बजा था। तो हम जैसा कि आप सबसे वादा किए थे कि हम अच्छे अच्छे कलाकारों से मिलवाएंगे, तो हमने कुसुम काव्या जी से आज मिलाया। बहुत अच्छा लगा कुसुम काव्या जी, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए और समय देने के लिए। तब तक के लिए चलिए, वंदे मातरम। थैंक यू सर जी, थैंक यू।